एक बार आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का उत्सव छत्तीसगढ़ में भी मनाया गया। राजधानी के प्रत्येक मंदिरों में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। अशोका रत्न के राम मंदिर में भी उत्सव मनाया गया। आरती ग्रुप की ओर से भगवान राम को 1 किलोग्राम चांदी की ईंट चढ़ाई गई, साथ ही भजन कीर्तन के साथ विशेष श्रृंगार किया गया। और हमारा आरती ग्रुप परिवार के जितने हमारे सदस्य हैं जो काम करने वाले हैं, उनकी तरफ से 1 किलो की ईंट भेंट की गई है। जो भी कार्यकर्ता मेरे यहाँ का जाएगा अयोध्या, स्वयं ये मंदिर को देखे आएगा करके। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है, लेकिन भूमि पूजन को लेकर जमकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस हो या भाजपा, भूमि पूजन का श्रेय लेने की कोशिश में है। कांग्रेस इसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दे रही है, तो वहीं रायपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजन तिवारी ने कहा है कि 1986 में राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था और 1993 में पीवी नरसिम्हा राव ने इस जमीन का अधिग्रहण किया था, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। इस बात का सबसे बड़ा श्रेय निश्चित रूप से भारत के उच्चतम न्यायालय को जाता है। इसका श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो 1986 में जब राम लला के मंदिर के ताले को खुलवाने का काम शहीद और जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्जन किया, राजीव गांधी को जाता है। दूसरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो पीवी नरसिंह राव जी को जाता है, जिन्होंने इस जमीन का 1993 में अधिग्रहण किया था, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्णय लिया। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी खासा उत्साह देखा गया। रायपुर सहित प्रदेश के कई राम मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। राजधानी में प्राचीन दूधाधारी मठ में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और गोसेवा आयोग के अध्यक्ष राम सुंदर दास के साथ 21 पंडितों की मौजूदगी में राम मंदिर भूमि पूजन का उत्सव मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस के संसदीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और जसगीत गायक दिलीप षडंगी ने राम भजन की विशेष प्रस्तुति दी। तो हम धन्य हैं कि छत्तीसगढ़ धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हर्ष और उल्लास के साथ राम जन्मभूमि का शिलान्यास दिवाली और दशहरे के समान मनाया जा रहा, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी हर घर में दीप जलाए जा रहे हैं। राम और अब खबर बाजार से है, जहां पर श्री राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होने के दौरान नगर के मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। वहीं महिलाओं ने आराध्य देवी मां मंदिर में भोजन का आयोजन किया। इस मौके पर लोगों ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। मर्यादा का भगवान राम ने स्थापना किया था, सभी को जो है हृदय लगाने का, वही जो है और इस जो है भूमि पूजन के माध्यम से सारा भारत जो है पुनः जो है एक जो है एकता और अखंडता के साथ जो है विश्व में पुनः स्थापित होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। बहुत खुशी की बात है कि अब के दिन के बाद बहुत इंतजार करे, ओकर बाद भी अब जो इंतजार है वो पूरा हो गए और सपना भी पूरा हो गए। जय श्री राम। बहुत ही सौभाग्य के दिन है कि हमारे इस देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण होने, राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी, आज उनका सपना साकार हुआ है। ये समस्त विश्व हिंदू परिषद परिवार के लिए गर्व की बात है। आज इस भव्य शिलान्यास के उपलक्ष्य में बड़ौदा बाजार में भी जिस तरह पूरे विश्व में कार्यक्रम रखे गए हैं, यहाँ भी क्या बोलते हैं नगर में क्या बोलते हैं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया है। इधर तिलदा में भी अयोध्या में राम मंदिर बनने की खुशी देखी गई। नगर के सभी मंदिरों में राम जी की पूजा अर्चना का विशेष आयोजन किया गया। राधा कृष्ण मंदिर के राम दरबार में दीप जलाकर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की गई, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने हिस्सा लिया। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का खासा ख्याल रखा गया। राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन को लेकर बेमेतरा में भी लोगों में खासा उत्साह रहा। पगडी डीहा अंधियारपुर में
युवाओं ने भगवा ध्वज के साथ बाइक रैली निकाली। राम के जयकारों के साथ शंभुपुरी मरा कृष्ण धाम पड़की दी है और मां बंजारी धाम से रैली निकाली गई। और आज पूरा भारतवासी भाग्यशाली है जो 5 वर्ष के बाद हम लोगों को एक ऐतिहासिक समय पुनः जो हमारे लिए वापिस आए। अतः यहाँ पड़कीदी अंझारखोर में ग्रामवासियों द्वारा अति उत्साह के साथ रैली निकाली गई। उत्साह का माहौल है। इसी तारतम्य में आज हमारे व्यापारी संघ के द्वारा धर्म रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें शनि धाम से शंभुपुरी और महामाया धाम इस तरह से पूरे गांव में रैली निकाल करके उत्साह मनाया गया है। मुंगेली के बस्तर कार्यालय राम मंदिर निर्माण की खुशी में दिवाली मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित किए। सुबह के वक्त श्री राम दरबार की पूजा अर्चना की गई, उसके बाद मिठाइयां बांटी गई। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। बोलते थे कि कसम ऐसी ना निकल ना निकल जाए। लोगों मन में आ गया था, लेकिन मोदी ने पूरा किया है। सब कसम कसम साकार हुआ है। आशा चली आ रही थी, पूरा नहीं हो रहा था, उससे मोदी जी ने पूरा किया और भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया। इस आशा पर मैं अपने नगर मुंगेली जिला जिला तरफ से राम मंदिर बार को लेकर पूरे बाजार जिले में दीपावली का माहौल था। लोग कोरोना का सारा डर खत्म कर सड़क पर आकर जमकर आतिशबाजी करने लगे। और यही हमारी भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, हमारी राम राज्य स्थापना, वहाँ पर दैविक दुख सुख तो न हो, ऐसी परिकल्पना हमारे नेताओं ने महात्मा गांधी किया था। राम राज्य की स्थापना की परिकल्पना की, राम का मंदिर बना है और हम सब लोग इस राम मंदिर के भूमि पूजन का स्वागत करते हैं। जगतपुर विधायक डॉक्टर अश्विन सिंह ने राम जानक मंदिर में पूजा करने के बाद कहा कि आज का दिन गौरव का दिन है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और निर्वासियों के साथ राम जानक की पूजा की। और कोरबा से जहाँ श्री राम की भूमि पूजन होने के बाद शहरवासियों में उमंग है, उल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान श्री राम ने अपने वनवास करने छत्तीसगढ़ की धरती पर काफी समय व्यतीत किया। कोरबा के अस्तित्व में आने से पहले सीतामढ़ी गुफा के रूप में मौजूद रहा है। सीता भी है, सीता माता के चरण पर वो भी है और एक प्राचीन गुफा है, मूर्तियां भी है, तो काफी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। रखी भाई का फिर आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को धमतरी जिले के कुरुत के राम मंदिर में हवन पूजन कर मनाया गया, जिसमें पूर्व मंत्री और कुरुत विधायक अजय चंद्राकर शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे आग्रह किया था कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, उनके निर्णय के तहत आज भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और करोड़। खबर गरियाबंद से है, जहां राम मंदिर निर्माण की नींव खिसवाने के बाद सर्व हिंदू संगठन के लोगों ने पटाखे फोड़े, एक दूसरे को बधाइयां दी और मिठाइयां वितरित की। सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जो 500 वर्षों तक के हमारे पूर्वजों की जो लड़ाई लड़ी उसका आज हमें यह तोहफा मिला है। और उन जितने जो बलिदानी हमारे जो कार्य सेवक हैं, हमारे जो 500 वर्षों में जिन्होंने जितनी लड़ाई लड़ी हुई, जो शहीद हैं, उनको सब नमन करता हूं। वहीं अगर शहर भी लोगों ने सोशल डिस्टेंस
डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राम मंदिर के लिए किए गए भूमि पूजन पर एक दूसरे को बधाई दी करके चौराहे भगवा रंग के झंडों से पटे नजर आए। अपने खुशियों को बयान कर सकते हैं, हम बहुत साहित हैं कार्यक्रम के लिए जो 5 सालों के बाद हमें नसीब हुआ है। यह दिन इतिहास के ऐतिहासिक दिन है ये हमारे लिए। खरसा नगर में मंदिर निर्माण को लेकर खासा उत्साह देखा गया। मंदिरों को सजाकर भगवान राम की पूजा की गई। पूरे देश में रामतों में प्रदेश में एक खुशी की लहर है और उस उपक्ष में जिस प्रकार एक हिंदू होने के नाते एक राम भक्तों के नाते जिस प्रकार राम भगवान जब अयोध्या आए थे और दिवाली मनाई गई थी उसी प्रकार मैंने घर में आज दीप जलाकर